बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जो 75वें कान फिल्म समारोह की जूरी में एकमात्र भारतीय के रूप में नजर आने वाली हैं, सोमवार रात फ्रेंच रिवेरा की ओर रवाना हुई। प्रतिष्ठित फिल्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दीपिका के आने वाले 2 सप्ताह व्यस्त रहने वाले हैं। वह पूरे उत्सव में वही रहेंगी। दीपिका जिन्हें 75वें डे कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए विशेष और बहुत ही शानदार जूरी का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। फ्रांसीसी अभिनेता विंस्टेड लिंडन की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय जूरी का हिस्सा हैं। उनके साथ ईरानी फिल्म निर्माता असगर फरहादी, स्वीडिश अभिनेत्री नूमी रेपेस, अभिनेत्री पटकथा लेखक निर्माता रेबेका हॉल, इटालियन अभिनेत्री जैस्मीन ट्रिका, फ्रांसीसी निर्देशक लाइडिज ली, अमेरिकी निर्देशक जेफ निकोल्स और निर्देशक जोआचिम ट्रायल भी शामिल हैं। काम की बात करें तो दीपिका के पास अगले कुछ महीनों के लिए कई हाई प्रोफाइल फिल्में हैं। वह अगली बार द इंटर्न में दिखाई देंगी, जबकि फाइटर में उनके साथ ऋतिक रोशन है। वह शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान में भी नजर आएंगी। INS रिपोर्ट।